सबको जय यीशु। इन दिनों में हम माँ मरियम के अलग अलग गुणों के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे। माँ प्यार की मूर्ति है, माँ करुणा की स्रोत है, माँ हमारी आश्रयशील है। आज हम माँ के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हमारी विषय है माँ शांति की माँ है। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में शांति मिले, सदा शांति में रहे। मैं माँ के जीवन के बारे में मनन चिंतन करते समय मुझे याद आते हैं जब माँ मरियम और संत जोसफ बाल यीशु को लेकर मंदिर में चढ़ाने गए, तब शिमयोन उनसे कहते हैं, तेरे दिल में एक तलवार आर पार होंगे। माँ के लिए बहुत बड़ा एक दुख की बात था, फिर भी माँ ने शांति से ईश्वर से उस वचनों को स्वीकारा, अपने हृदय में रखा, मनन चिंतन किया और उनकी जीवन की हर क्षण में माँ मरियम के जीवन में बहुत सारे दुख संकट को सामना करना पड़ा, फिर भी माँ कभी किसी प्रकार भी अपने जीवन में निराश या दुख या कुछ परेशानियां नहीं दिखाई। हर संकट में, हर परेशानियों में उसने शांति के साथ हर संकट को स्वीकारा, क्योंकि माँ मरियम को अपने पिता ईश्वर पर विश्वास था। उनकी बहुत अटूट और अटल विश्वास उन्हें हर संकट को सामना करने का शक्ति मिले दिया है। जिस व्यक्ति पिता ईश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करते हैं, उन सबों को इस प्रकार की इस शांति अनुभव कर सकता है, यही माँ अपने जीवन द्वारा हमें सिखाते हैं। आज हम पेपर खोले या व्हाट्सएप खोले और टीवी में देखे, हम ऐसी वार्ता सुनते हैं, ऐसी बातें हमको सुनने मिलता है, युद्ध, अशांति, प्रकृति की विरुद्ध जो भी नाश नष्ट, ये सब हम सुनते हैं। दुख भरे बात, हत्या, एक दूसरे पर मार डालना, क्या क्या नहीं होता हमें पता नहीं आज हमारे जीवन कैसा होगा। माँ मरियम हमसे यही कहते हैं, इस सब संकट को सामना करना है तो तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। ये शांति का स्रोत ईश्वर से निकलता है, वो माँ मरियम द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। माँ इस शांति की स्रोत है। हमारी हर संकट में हमको दौड़ के जाने वाला शरण स्थान हमारी माँ है। वही माँ के पास से हमें शांति मिलते हैं। मैं बताने के देने की कोई जरूरत नहीं, आप सबों को इसकी अनुभव है। आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की संकट को सामना करने पड़ने का बहुत मौका आए हैं। इस मौके पर हम अपनी माँ के पास ही दौड़े हैं। उस शरण स्थान में हम हमारे लिए सब खुशी आनंद हमें मिला है। आज वही माँ हमें सबों को, उनके पास आए उनके सभी बच्चों को आज के दिन शांति प्रदान करने वाली है। आइए हमारी जीवन की हर समस्याओं को लेके आएंगे,
हमारी हर दुख संकट को उस माँ की पवित्र हृदय में हम रख देंगे। उस माँ से यही विनती करेंगे, माँ जिस प्रकार तूने तुम्हारे जीवन में आए वाले संकट को तुमने किस प्रकार सामना किया, उसी प्रकार सामना करने की कृपा हमें दे। उस शांति सदा अपने जीवन में रहने की कृपा हमें प्रदान कर माँ। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की रोजरी माला में हम हमारी दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हर परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी हम हर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर हमारी सभी रोगी और जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उन सबों को मां मरियम की शांति भरपूर मिले। धन्यवाद। Pray for us poor sinners, Hail Mary, full of grace.